जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जनमत की पुकार न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। जय श्री राधे कृष्णा। आइए, अंग्रेजी नव वर्ष 2024 क्या है, आज आपकी 12 राशियों का फल। तो सबसे पहले मेष राशि वालों को आज आपको कोई गुरलक शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है या किसी घर परिवार के बड़े दायित्व को पूर्ण रूप से आप निभा सकते हैं। दूसरी राशि है वृक्ष राशि वाले व्यक्तियों का, आज आप किसी पूर्व से पद पर प्रतिष्ठित हैं, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग बन सकते हैं, स्वास्थ्य आपका श्रेष्ठ रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को, आपको आज के दिन किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव, बेचैनी हो सकती है, घर में कलह स्त्री पक्ष आदि से हो सकती है। चौथी राशि है कर्क राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन मन में ऐसा भाव विचार आ सकता है, अन्यत्र घूमने के लिए जा सकते हो। पांचवी राशि है सिंह राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, इसलिए सचेत और सतर्क रहें। छठवीं राशि है कन्या राशि वालों को वाहन आदि का क्रय विक्रय करने पर लाभ प्राप्त होगा, वाहन आदि से आपको अधिक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, स्वास्थ्य श्रेष्ठ रहेगा। सातवीं राशि तुला राशि वालों को भूमिगत द्रव्य लाभ प्राप्त, या आप कोई जमीन खरीद सकते हो अथवा आज आप किसी भी काम का, व्यापार का बयाना आदि दे सकते हो, तो आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन धर्म आदि परिक्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा एवं आपकी रुचि विद्या अध्ययन जैसे क्षेत्रों में रहेंगी। नवम राशि धनु राशि वालों को सरकारी राजकाज से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, कोई केस चल रहा है उसमें आपको विजय प्राप्ति की पूर्ण संकेत बन रहे हैं। दसम राशि है मकर राशि वालों को, यदि आप सरकारी अथवा राजनीति क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हो तो आपको आज सफलता हाथ लगेगी। ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन धंधे व्यापार बिजनेस में सफलताएं हाथ लगेंगी, या आप पूर्ण रूप से किसी बड़े दायित्व को निभा सकते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर के कोई नया काम खड़ा कर सकते हो। बारहवीं राशि मीन राशि वाले व्यक्ति, आपको आज के दिन विद्या अध्ययन सरकारी क्षेत्रों से सफलताएँ हाथ लगेंगी और आपको आज के दिन कोई शुभ संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतामरा, जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।